11 टॉपिक डिमांड। इसमें बच्चा बहुत अधिकतर फंसता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो बच्चे को ये ही नहीं पता होता डिमांड होती क्या है। डिमांड को वो सीधा बोल देता क्या है, मांग। डिमांड को सीधा समझ जाता है कि मांग है, मांग नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। अगर मैं डिमांड की बात करता हूं तो डिमांड एक्चुअल में है क्या? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। गुड्स एंड द सर्विसेज दैट मींस द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज। विलिंग एंड एबल टू परचेज मींस कि उसकी इच्छा भी है और वो उसे परचेज कर भी सकता है। जैसे अगर मैं एक सीधी सी चीज कहूं कि एक रिक्शे वाला फरारी मांग रहा है, तो सिंपल सी चीज है कि उसकी इच्छा तो है पर उसके अंदर एबलनेस नहीं है। उसके अंदर एबलनेस है ही नहीं तो ये डिमांड बनेगी ही नहीं, बन ही नहीं सकती। बहुत ज्यादा बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, नीड वांट डिमांड, इसमें भी दिक्कत खाते हैं। तो उसे तो मैं देख लूंगा अभी बाद में। पहले अगर डिमांड का रियल मतलब समझे तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज। इच्छा भी है, उसे परचेज कर भी सकता है। एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। सीधी सी चीज है, अगर प्राइस ही नहीं होंगे तो आप खरीदोगे क्या? खरीद ही नहीं सकते भाई। अगर मैं एक सीधी सी एक चीज कहूं कि भाई मैं जींस लेके आ रहे हैं, उसके प्राइस ही नहीं पता तो आप खरीद क्या लोगे? खरीद ही नहीं सकते। दूसरा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आप छोटे थे, आप पेंसिल खरीदी है, अब 12वीं क्लास में तो पेंसिल पेपर दोगे नहीं, सीधी सी चीज है। तो सिंपल सी चीज है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स कि आपकी जो डिमांड होती है एक पूरी हुई दूसरी जग गई, एक पूरी हुई दूसरी जग गई, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब अगर हम डिमांड को देखें तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करते हैं फाइव एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, तो फाइव एलिमेंट्स ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो डिजायर, डिजायर या वांट, ठीक है, विलिंग टू परचेज, इच्छा है या नहीं है तुम्हारी परचेज करने की, मींस टू परचेज, भाई सबसे बड़ी बात है आज के जमाने में हमारे में क्या चलता है, रोकड़ा है या नहीं है, बार्टर सिस्टम तो गया, मींस टू परचेज दैट मींस मनी, करेंसी, सर्टेन प्राइस, अगर किसी भी चीज का कोई भी प्राइस ही नहीं है उसकी कोई डिमांड ही नहीं बनेगी, हो ही नहीं सकती। सर्टेन पीरियड, हाँ सर्टेन पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई भी एक चीज डिमांड चलती है। जैसे आप छोटे थे तो रबड़ पेंसिल मांगते थे, बड़े हुए तो जेल पेन मांग लिया, अब बॉल पेन, और धीरे धीरे तो पेन ही नहीं मांग रहे हो, खुद ही चला दे रहे हो, सर्टेन पीरियड, क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, हमारी डिमांड को बहुत ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, सीधी सी चीज है, अगर हम किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड की बात करते हैं तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। भाई एक सीधी सी चीज है, प्याज 50 रुपए किलो चल रही है, कितनी लाके रख रहे हो, 1 किलो याद है, बहुत है। अगर वहीं पर प्याज 10 रुपए किलो हो जाए तो आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी लेके आते हो। मतलब सीधी सी एक चीज है, अगर मैं बात करता हूं प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी दैट मींस अगर कॉमोडिटी की बात है और प्राइस की बात है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइसेस क्या है कम है तो आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी लेके आते हो, और वहीं पर अगर किसी कॉमोडिटी के प्राइसेस क्या है ज्यादा है तो आप उसकी कम क्वांटिटी लेके आते हो। दैट मींस प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एकदम उल्टा। मतलब सीधी सी चीज है, अगर किसी कॉमोडिटी के प्राइसेस बड़े हुए हैं तो आप उनकी क्वांटिटी क्या लेके आओगे, कम लेके आओगे, और वहीं पर अगर कॉमोडिटी के प्राइसेस क्या हुए हुए हैं, कम, तो आप उनकी क्वांटिटी क्या लेके आते हो, ज्यादा, सीधी सी चीज है। वहीं पर अगर हम दूसरे फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, बेटा एक सीधी सी चीज है, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह पर दूसरे यूज किए जा सके। जैसे आपके सिलेबस में से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है नहीं, जैसे चाय की जगह पर आप कॉफी पी सकते हो, लेकिन क्या जो चाय पीने वाला है उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बेटा, टाटा टी, ताज टी, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपके में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में और किसी के बारे में नहीं। अब सिंपल सी एक चीज है, हम अगर बात करें थम्सअप पेप्सी, वो क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है,
भाई अगर कहीं पर सीधी सी चीज है आपको थम्सअप पीने, थम्सअप है नहीं, आपने क्या मांगी? उसने कहा पेप्सी है, पेप्सी दे दी। कह रहा पेप्सी भी नहीं है, कोका कोला ले ली। तो ये एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है भाई, एक सीधी सी चीज है, एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। वहीं पर अगर हम सीधी सी एक चीज बात करते हैं कि जैसे दो कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला और थम्सअप, दोनों के रेट 10 रुपए चल रहे हैं। दोनों के रेट कितने चल रहे हैं? 10 रुपए चल रहे हैं। वहीं पर कोका कोला के रेट 12 हो गए। हुआ क्या? प्राइस किसके बढ़े? कोका कोला के। लेकिन अल्टीमेटली डिमांड, आपकी डिमांड किस पे शिफ्ट हो जाएगी? थम्सअप। क्यों? क्योंकि अब वो आपके लिए थोड़ी सी सस्ती है। सीधी सी चीज यही है। अगर हम यही वाली बात करें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे भाई एक सीधी सी चीज है, आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए, कहा जा चाय पत्ती ले आ। चाय पत्ती लेने गए, वहां पर प्राइस हो गए 15। उसने कहा नहीं चाय पत्ती तो नहीं आएगी, अब कॉफी ले जा नेस्ले वाली। आप ले आए। हुआ क्या? आपकी डिमांड क्या थी? चाय की। लेकिन 10 रुपए में आप क्या लेके आ रहे हो? कॉफी। हुआ क्या? टी के प्राइस बढ़े, जिसकी वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई अल्टीमेटली। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर मैं कहता हूं, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन कहलाता है? आपका डायरेक्ट। अगर एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस क्या हुए? बढ़े हैं, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बायकायदा दूसरे की। अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलरली टी की डिमांड के साथ क्या होगा, पर्टिकुलरली टी के प्राइस बढ़े हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। लेकिन यहां पर जब हम प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो उसकी जगह पर यूज होने वाली चीज क्या है, उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट है, हम उसे देखते हैं। वहीं पर दूसरा अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं, एक दूसरे के बिना यूज नहीं होगा। जैसे पेन और इंक, पेट्रोल और कार, सीधी सी चीज है। पेन और इंक और पेट्रोल और कार, सीधी सी एक सिंपल चीज। आज अगर पेट्रोल 10 रुपए लीटर हो, पापा से बाइक मांगना दिला देंगे। चलते चलते पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया, दिलाएंगे वहीं से, वापस लौटाएंगे वहीं से। क्या हुआ ये? हुआ क्या? जब प्राइसेस कम थे तो अल्टीमेटली दूसरे की क्या थी? डिमांड ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही दूसरे के प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ते ही तो डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। सीधी सी चीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं तो दोनों एक साथ यूज होते हैं। भाई अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो बाइक और कार की डिमांड घट जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें कि पेट्रोल के प्राइसेस कम है तो क्या होगा, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। क्योंकि वो कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान है, उसे पालना मुश्किल है, वही वाली चीज। अच्छा वहीं पर हम अगर बात करें किसकी, इनकम की। इनकम बेटा पहली चीज है, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा डिमांड। इसका मतलब डिमांड और इनकम में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम जिसकी ज्यादा होगी उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनकम का इंपैक्ट दिखता है दो गुड्स पे। वो दो गुड्स होते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी, ध्यान से सुनना, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने से। जिनकी डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने से। भाई एक सीधी सी चीज है, मानो आपकी 10,000 रुपए सैलरी है, आपका राशन वाशन कहां से? बराबर वाली दुकान से। लेकिन अब 1 लाख हो गई, पहुंच गए आप अच्छी जगह, बढ़िया सटीक। अब आप पहले तो बासमती खा रहे थे और आजकल बासमती के टोटे होते हैं वो खा रहे थे, ठीक है, और आप अच्छा खासा इंडिया गेट चावल अच्छा खासा खा रहे हो। तो ये क्या हुआ? हुआ क्या? इंडिया गेट की एकदम से डिमांड बढ़ गई आपकी इनकम बढ़ने से। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने से। इंफीरियर गुड्स, देखो बेटा इंफीरियर गुड्स एक सिंपल, अगर बेस्ट एग्जांपल लें तो आपके फोन्स है। आज अगर आपके पास 10,000 रुपए कमा रहे हो तो आप नॉर्मल MI वगैरह के फोन लोगे, सिंपल सी चीज है। वहीं पर अगर आपकी 1 लाख सैलरी हो गई तो 1+ से नीचे बात नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में क्वालिटी नहीं है, दोनों में क्वालिटी है। लेकिन नॉर्मल गुड्स अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स हैं? वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड
बढ़ती है इनकम के बढ़ने से. इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड घटती है इनकम के बढ़ने से. भाई अगर मैं सीधी सी चीज कहता हूं, अभी जैसे हमने बात करी एमआई वगैरह, इसकी आपकी जैसी डिमांड गई आप वन प्लस पे चले गए, तो एमआई क्वालिटी वाइज उस पैसे के हिसाब से सही है. लेकिन हुआ क्या, इंफीरियर गुड्स आप कहोगे नहीं कि लो क्वालिटी है ये सब, लेकिन हाँ नॉर्मल गुड्स से उतनी क्वालिटी नहीं है इनकी, नॉर्मल गुड्स के मुकाबले उतनी क्वालिटी नहीं है. लेकिन इंफीरियर गुड्स की अगर हम बात करें तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड घटती है इनकम के बढ़ने से. मैं फिर से एक चीज याद दिला रहा हूं, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने से, और इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड घटती है इनकम के बढ़ने से. भाई सीधी सी चीज है. वहीं पर अगर हम तीस अपने इस पे आते हैं, टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. भाई अगर आपको सीधी सी चीज है, जो चीज फैशन में होती है उसकी डिमांड अधिकतर ही होती है, और जो चीज आउट ऑफ फैशन है वो अलग ही है. बेल बॉटम आज के टाइम पर कोई नहीं पहनता, अमिताभ बच्चन वाली, क्योंकि आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है. सीधी सी चीज है, जो चीज फैशन में है उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होगी, ये याद रखना. अच्छा अगर हम बात करते हैं अब किसकी, ई, हमारा ई, ई से अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशन. पहली चीज तो ये है, मैंने यहां लिखा हुआ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. बेटा आप एक्सपेक्टेशन हमेशा फ्यूचर की रखते हो, इसीलिए ई है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस मतलब फ्यूचर में प्राइस का क्या होने वाला है जिसकी वजह से आज की डिमांड अफेक्ट कर जाए. भाई अगर मैं आपसे, आपने बहुत बार एक चीज देखी होगी, अगर कल आज सरकार अनाउंस कर दे कि कल पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं, कल बढ़ने वाले आज नहीं, तो होगा क्या, आज सब पेट्रोल भरवाने की लाइन में लग जाएंगे. हुआ क्या, कल प्राइस बढ़ने वाले थे जिसकी वजह से आज उसकी डिमांड बढ़ गई. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस क्या था, राइज, जिसकी वजह से आज डिमांड क्या हो गई, आज प्रेजेंट डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई. मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ने का है तो आज उसकी अल्टीमेटली डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. भाई सीधी सी चीज है, मानो मॉल में गए हो, शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, आपको पता लग जाए कल सेल लगने वाली है, मतलब कल प्राइस कम होने वाले हैं, तो आप आज खरीदोगे या कल खरीदोगे, आप कल ही खरीदोगे, आज खरीदोगे ही नहीं. अल्टीमेटली हुआ ही क्या कि कल प्राइस कम होने वाले थे जिसकी वजह से आज की प्रेजेंट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई. आज प्रेजेंट क्या हो गई, डिमांड कम हो गई. ये सीधी सी चीज है, डिमांड क्या हुई, कम हो गई. अच्छा वहीं पर अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स की, तो अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अदर फैक्टर्स में जैसे अगर हम बात करें इंडिया की यंगस्टर पॉपुलेशन है इसीलिए यहाँ की मार्केट बहुत अच्छा है. वहीं चाइना की अगर बात करें तो चाइना में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत है इसीलिए वहां पर मेडिसिन वगैरह ये सबसे ज्यादा हो. किसी अगर अगर किसी इकोनॉमी में आपके बच्चे वगैरह ये सब है तो वहां टॉयज की ज्यादा डिमांड होगी. और सबसे बड़ी बात है हमारी डिमांड ज्यादा होगी ये चाइना की, ऑब्वियसली चाइना की, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन वहां ज्यादा है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो होती है, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिस कंट्री का साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर होगा क्या, वहां की पॉपुलेशन, अब साइज ऑफ पॉपुलेशन है तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी. क्लियर.